नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 11, 12 और 13 मार्च के आपकी राशि के महाराशि फल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, जिनका भी आज में बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है, आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरीके करें। तो आए दोस्तों, सके साथ बात करते हैं यश में। घरों की स्थिति कैसे होंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीजों को लेकर यश में आपको सावधान रहना होगा और आखिर कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। दोस्तों यश में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, क्रेडिट कैसा रहेगा। दोस्तों इन 3 दिनों में आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियां कैसे उत्पन्न होंगी, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो के अंत में बहुत ही अच्छे उपाय हैं जिन्हें आप करके इन दिनों को और भी ज्यादा लाभकारी बना पाएंगे। उससे पहले दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दें। तो आइए दोस्तों बात करते हैं, जान लेते हैं पहले ग्रहों की स्थिति के बारे में। दोस्तों 11 मार्च की बात करें तो दोस्तों इस दिन शुक्रवार का दिन रहेगा, शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि रहेगी और दोस्तों इस दिन मृगशीर्ष नाम का नक्षत्र रहेगा। यह दोस्तों इस दिन योग की बात करें तो आयुष्मान नाम का शुभ योग और सौभाग्य नाम का शुभ योग इस दिन रहने वाले हैं। राहु कल के समय सुबह के 11:08 से लेकर दोपहर के 12:37 रहेगा। दोस्तों ध्यान रहे, आप यश में कोई भी शुभ और महत्वपूर्ण कार्य को भूल से भी ना करें। तो दोस्तों चंद्रमा दिन मिथुन राशि पर संचार करेंगे। वही दोस्तों अगले दिन की बात करें तो दोस्तों इस दिन शनिवार का दिन रहेगा, 9वीं तिथि रहेगी, आद्रा नाम का नक्षत्र और शादी दोस्तों इस दिन शोभन नाम का शुभ योग रहेगा। जी दोस्तों इन राहु कल के समय सुबह के 9:39 से लेकर सुबह के 11:08 रहेगा और चंद्रमा दिन भी मिथुन राशि पर ही संचार करेंगे। दोस्तों आखिरी दिन 13 मार्च की बात करें तो रविवार का दिन रहेगा, शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि रहेगी, पुनर्वसु नाम का नक्षत्र और शादी दोस्तों इस दिन अति गंड नाम का शुभ योग रहने वाले हैं। जी दोस्तों और इस दिन राहु कल के समय शाम के 5:02 से लेकर शाम के 6:31 रहेगा और दोस्तों चंद्रमा दिन मिथुन के उपरांत कर्क में संचार कर जाएंगे। तो आइए दोस्तों बात करते हैं 3 दिनों की जो ग्रहों की स्थिति है और चंद्रमा का जो गोचर है आपकी राशि पर क्या क्या प्रभाव लेकर आती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों यश में घर में उत्सव का माहौल भी हो सकता है, घर परिवार के साथ एक दूसरे के साथ खुशी खुशी आप रह सकते हैं। आपकी सामंजस्य अच्छा होने से घर के कार्यों के साथ साथ बाहर के काम काज में भी एक दूसरे का सहयोग अच्छा रह सकता है। दोस्तों यश में माता पिता का आशीर्वाद तथा माता पिता का सहयोग प्राप्त होने की पूरी संभावना बन रही है। वहीं दोस्तों यश में अगर आपकी नेगेटिव को लेकर बात करें तो आर्थिक मामलों में सतर्कता बरतने की आवश्यकता होगी। दोस्तों किसी गंभीर विषय पर जल्दबाजी ना करें, यश में भाग्य पक्ष कमजोर है। गणेश जी की सलाह है कि भाग्य भरोसे कोई भी काम न करें। दोस्तों यश में किसी भी कार्य में सफलता थोड़े संघर्ष के बाद ही मिलेगा, इस बात को आपको ध्यान में रखना है और अधिक प्रयास करना चाहिए। दोस्तों इन दिनों में आपके लिए बहुत खास रहने का समय होगा, आपके लिए दिन सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ भी रहेगा, बेहतरीन परिणाम देने वाला भी रहेगा। दोस्तों यश में अपनी जिम्मेदारियों के साथ ही आप अपने बारे में अपने नए सोच के बारे में भी यश में सोचेंगे। संभव है कि यश में खुद के भविष्य और करियर को लेकर थोड़ा आप तनावपूर्ण भी रह सकते हैं। वही दोस्तों करियर को लेकर अगर बात करें तो यश में आप कार्यस्थल पर अपने अधिकारों को लेकर बॉस से चर्चा कर सकते हैं, नौकरी में पदोन्नति के योग भी हैं। दोस्तों यश में इस समय पूंजी में निवेश करने से मनचाहा परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। दोस्तों अतः शीघ्र पेशा बनाने के तरीके पर यश में आप बिल्कुल ना सोचें, इस सोच पर आप अमल यश में बिल्कुल ना करें। यदि किसी को पैसे उधार दे रहे हैं या फिर दे रखे हैं तो दोस्तों उसे प्राप्त करने में कुछ कठिनाइयों का सामना भी आपको यश में करना पड़ सकता है। वही दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ की बात करें तो दोस्तों यश में अपेक्षाकृत अनुकूल रहने की संभावना होगी और उस दौरान आपके दाम्पत्य जीवन में भी पड़ी हुई जो धूल है उसे हटाने का प्रयास करें और इससे रिश्ते धीरे धीरे सामान्य होने लगेंगे। दोस्तों यश में रोमांस के मामले में दिन सामान्य रह सकता है, किसी अनजान व्यक्ति से यश में आपका मुलाकात हो सकता है। वही दोस्तों यश में अगर आपकी हेल्थ को लेकर बात करें तो दोस्तों आपको स्किन से जुड़ी कोई समस्या भी हो सकती है। दोस्तों यश में इन दिनों में आपको पैरों में दर्द, एड़ी में दर्द संबंधित कोई परेशानी होने की संभावना अधिक होगी। दोस्तों यश में आपका भाग्यशाली रंग रहेगा लाल और भाग्यशाली अंक रहेगा 9। वही दोस्तों कोई महत्वपूर्ण निर्णय आप यश में लेने के मूड में नहीं रहेंगे बल्कि आराम करना अधिक पसंद करेंगे।
फिर भी दोस्तों, कोई काम आए तो आलस्य को दूर करके कामों पर अपना ध्यान केंद्रित करें, ऐसा गणेश जी कहते हैं। दोस्तों, काम पर ध्यान न होने से यश में आपको कुछ काम में भूल होने की संभावना भी बन रही है और बाद में सामने धारा में तैरना कठिन बनेगा। वही दोस्तों, यश में अगर आपकी वित्तीय स्थिति को लेकर बात करें तो यश में आप निराश महसूस कर सकते हैं, क्योंकि आप समय सीमा से पहले एक विशिष्ट कार्य को पूरा करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। दोस्तों, आप तब तक अधिक तनावग्रस्त हो जाएंगे जब वरिष्ठ आपको समझाने बुझाने लगेंगे। लेकिन दोस्तों, गणेश जी कहते हैं कि आपको उदास महसूस नहीं करना चाहिए, इसके बजाय काम पर ध्यान केंद्रित करें और लक्ष्य हासिल करने की यश में आप कोशिश करें। दोस्तों, यश में आपकी पारिवारिक जीवन की बात तो दोस्तों, यश में दिन की समाप्ति सकारात्मक नोट पर रहेगी, क्योंकि आप अपने पीढ़ी के साथ मजेदार समय बिताएंगे। दोस्तों, यश में आप मुख्य ताकत और भविष्य पर चर्चा भी कर सकते हैं। दोस्तों, यश में साथी के साथ क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं। आप अपना सारे जो भावनाओं को अपने पीर से आप उड़ेल भी देंगे, उनसे अपना बातों को शेयर भी कर पाएंगे। मैं दोस्तों, यश में अगर आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो यदि आपको नहीं पता है कि आपको क्या करना है तो दोस्तों, यश में किसी ऐसे व्यक्ति से आप बात करें जो आर्थिक रूप से सफल है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जीवन में प्रगति के लिए जोखिम उठाना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, जोखिम की गणना जोखिम के साथ करनी होती है। वह दोस्तों, यश में इन दिनों में यह संभव है कि आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, आप आसानी से थक भी सकते हैं, क्योंकि आपके ऊपर काम का दबाव बहुत ज़्यादा रहेगा, जैसे कि दोस्तों आप बीमार भी यश में रह सकते हैं, इनकी संभावना भी बन रही है। आप तनावग्रस्त रहेंगे, ऐसे में आपको वे काम नहीं करने चाहिए जिनमें अधिक शारीरिक परिश्रम करना पड़े। दोस्तों, यश में हृदय रोगियों के लिए कॉफ़ी छोड़ने का सही समय होगा, अब इसका जरा भी इस्तेमाल दिल से अतिरिक्त दबाव डालेगा। दोस्तों, यश में आकस्मिक मुनाफे या फिर सट्टेबाजी के जरिए आर्थिक हालात सुदृढ़ होंगे। बच्चे आपको घरेलू कामकाज में निपटाने में मदद करेंगे। दोस्तों, अचानक कोई रोमांटिक मुलाकात आपके लिए उलझन पैदा कर सकती है। दोस्तों, यश में फायदा हो सकता है, बशर्ते आप अपनी बात को भली भांति किसी के सामने रखें और काम में अपना लग्न और उत्साह दिखाएं। दोस्तों, यश में यात्राएं के मौके आपके हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जीवन साथी के साथ यह दिन और दिनों की अपेक्षा बेहतर गुजरेगा। दोस्तों, यश में आप शुद्ध शहद का रोजाना प्रयोग करें, इससे आपका जो है स्वास्थ्य जो है बेहतर होगा, आप तनावग्रस्त महसूस से यश में बच पाएंगे। दोस्तों, यश में आपको कौन से महत्वपूर्ण उपायों को करना चाहिए? दोस्तों, यूं तो लोग धन प्राप्ति के लिए बहुत सारे ऐसे उपाय करते हैं, लेकिन दोस्तों ये जो उपाय हैं उनमें से बहुत ही खास हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि यश में आप घर में समृद्धि लाने हेतु घर के उत्तर पश्चिम कोण में जो है सुंदर से मिट्टी के बर्तन में कुछ सोने चांदी के सिक्के लाल कपड़े में बांध कर रखें, फिर बर्तन को गेहूँ या फिर चावल से भर दें। जी दोस्तों, ऐसा करने से उस घर में धन का कभी अभाव नहीं होते हैं। साथ ही दोस्तों, यश में आप काले तिल जो है परिवार के सभी सदस्यों के सिर पर 7 बार उसार कर घर के उत्तर दिशा में फेंक दें। दोस्तों, धन आने इनसे बंद होती है और जो भी आपके अटके कार्य हैं उनमें भी गति आती है। तो दोस्तों यूं कहे तो इनसे आपकी जो उनकी जो भी धन को लेकर समस्या है उनका अंत होगा। तो दोस्तों, यश में आप इन उपायों को जरूर करें, ये आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली होंगे। और साथ ही दोस्तों, ऐसी अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर शेयर कर दें। वीडियो को अधिक से लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।